हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्पेशली एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जा रहा है जिनका पीएफ कटता है, जिसमें हम जानेंगे कि पीएफ की कौन से सेक्शन में हमें 7 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है भारत सरकार द्वारा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने महीने सर्विस करने के बाद ये फैसिलिटी उठा सकते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग इन्वाइट किए हैं आज के सेशन में श्री सुनील कुमार झंवर जी को, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके डिटेल प्रोफाइल अगर आप जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, डाला हुआ है। और बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये सेशन है, पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉई से रिलेटेड है। और जब भी एम्प्लॉई अपना पीएफ कटवाता है तो उसको ये ध्यान में होना चाहिए कि उसके लिए 1-7 लाख का स्पेशल इंश्योरेंस भी उसको वो अवेल कर सकता है। आइए मैं स्लाइड के थ्रू आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है एम्प्लॉय का 12% जो पीएफ कटता है वो पीएफ ईपीएफ में जाता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी अपना 12% जो है वो जमा करता है, उसका एक भाग जो है ईपीएफ में और दूसरा भाग पेंशन में जाता है। और 1.5% जो है वो ईडीएलआई में जाता है। जी हाँ, ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में। ये जो इंश्योरेंस में जा रहा है, इसी का बेनिफिट एम्प्लॉय के नॉमिनीज को उसकी एम्प्लॉय की डेथ के वक्त वो इसको क्लेम कर सकता है। जी हाँ, एम्प्लॉय जो है इस इंश्योरेंस का बेनिफिट एम्प्लॉय की नॉमिनीज को मिल सकता है करके। सुनील जी, अभी ये बताइए कि ये बेनिफिट अवेल करने के लिए क्या प्रोसेस है। जी अमित जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में है कि मेरी अभी मैं नया नया जॉब में लगा हूँ, मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ संशय है कि मेरी अभी 7-8 महीने की सर्विस हुई है तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कोई बंदा जॉब ज्वाइन करता है, उसका ईपीएफओ अकाउंट अगर खुल जाता है तब से वो इसमें इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की जो है 2 महीने की सर्विस हुई है तब भी वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो बेनिफिट की अगर हम बात करें तो जिसकी सर्विस 12 महीने से ज्यादा हो रखी है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, जिसकी सर्विस 12 महीने से कम हो रखी है उसको कम बेनिफिट मिलता है। अगर के जिन एम्प्लॉय की सर्विस 12 महीने से ज्यादा हो रखी है उनको मैक्सिमम बेनिफिट 7 लाख का वो अवेल कर सकते हैं। वो कैसे अवेल कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एवरेज मंथली वेजेज जो उनको मिल रहा है उसका 35 गुना प्लस 50% ऑफ एवरेज ईपीएफ जो उनको मिल रहा है अगर हम कैलकुलेट करें, और मैक्सिमम जो वेजेज उनको मिल रहा है उसका यहाँ पे 15,000 पर मंथ ही कैलकुलेट होगा, और मैक्सिमम जो ईपीएफ अमाउंट कैलकुलेट होगा वो 1,75,000 होगा। तो अगर इसका सम टोटल हम देखें तो मैक्सिमम किसी एम्प्लॉय को 7 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। सिमिलरली जब हम 12 महीने से कम वालों को कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम अमाउंट और जो उनका क्लेम अमाउंट है तो वो बहुत ही कम उनको मिलता है। ये हम इस अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि जिनकी सर्विस 12 महीने से कम है उनको सिर्फ एवरेज उनकी जो ईपीएफ अमाउंट है प्लस 40% जो उनका एवरेज ईपीएफ है उससे अगर 1.2 मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1,80,000 तक ही मिलेगा करके। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की सर्विस 12 महीने से ज्यादा है तो उनको मैक्सिमम वो 7 लाख तक अवेल कर सकते हैं। अमित जी, पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन के ऊपर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं और उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन सुनील जी से ये है कि इस स्कीम के तहत जो मेन की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। सुनील जी, जी अमित जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉई है वो ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए, एक्टिव मेंबर होना चाहिए, तब वो इस इंश्योरेंस में कवर हो सकता है। अब मैं ये फिर से बता देना चाहता हूँ कि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कोरोना से अगर डेथ हुई है तो ये कवर है कि नहीं है। जी हाँ, ये कवर है। किसी भी तरह की नेचुरल या अननेचुरल डेथ हो तो ये उसमें कवर है और वो उसका क्लेम ले सकते हैं। वो एक एक्टिव मेंबर होना चाहिए। एक्टिव मेंबर मींस
ईपीएफओ में भी एक्टिव और इन सर्विस में होना चाहिए। कभी कभी जो एम्प्लॉई है वो अगर 15 दिन पहले बीमार पड़ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उसकी जो डिसकंटिन्यूशन ऑफ सर्विस है वो 15 दिन पहले से ही दिखा देते हैं और 15 दिन बाद जबकि उसकी डेथ होती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ एम्प्लॉयर को कि वो उसकी जो सर्विस है वो डेट ऑफ डेथ दिखाएं, ना कि डेट ऑफ डिसकंटिन्यूशन, क्योंकि उसको अगर वो डेट ऑफ सर्विस जो है डेथ नहीं दिखाते हैं तो उनको क्लेम लेने में, उनके जो नॉमिनी है उनको क्लेम लेने में खासा दिक्कत आएगी। तो हालांकि उनको क्लेम मिल जाएगा लेकिन इनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, नॉमिनी जो है ईपीएफओ अकाउंट में जो नॉमिनी की डिटेल है वो प्रॉपर भरी होनी चाहिए ताकि क्लेम के वक्त उनको कोई दिक्कत नहीं आए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो सर्विस है वो अगर 2 महीने की भी हो तब भी वो क्लेम ले सकता है, लेकिन क्लेम अमाउंट जो है उनको बहुत कम मिलेगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्लेम है, जो नॉमिनी क्लेम करना चाहते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ईपीएफओ की साइट पे जाके वो क्लेम कर सकते हैं और ऑफलाइन वो जो है ईपीएफओ की ऑफिस जाके वो सबमिट डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो उनको क्लेम मिल जाएगा। तो मैं यही जानकारी जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी इम्प्लॉई हैं अगर किसी के आसपास या कोई भी इस तरीके से कोई दुर्घटना हो तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दे ताकि वो जो है इसका क्लेम ले सके। अमित जी थैंक्स लॉट सुनील जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी। उम्मीद है इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और हमारे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने फैमिली मेम्बर में भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले सेशन में हम लोग बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं जो आपसे आपके लाइफ से रिलेटेड होगा, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड होगा और बहुत सारे वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं और ला भी रहे हैं, प्लस स्टार्टअप और कैरियर के ऊपर में भी हम लोग आने वाले समय में काफ़ी सारे वीडियो लाने वाले हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सेशन कैसा था। किसी नए टॉपिक पे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस पे वीडियो लाने के लिए। अगेन थैंक्स सुनील कुमार झंवर जी जिन्होंने टाइम दिया और आगे भी उनका हम लोग टाइम लेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उम्मीद है उनका समय हमें मिलेगा। सुनील जी। जी अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सब तक अवश्य पहुंचे और सब इसका लाभ जरूर उठाएं और आगे भी हम इस तरीके से अच्छी अच्छी जानकारियां सब तक प्रोवाइड करते रहेंगे। जी अमित जी थैंक यू।